इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य और मेरी ऐसी आशा है कि आपने पवित्र आत्मा के कार्य का पहला भाग ज़रूर सुना होगा उसके बाद दूसरा भाग और आज उसी का तीसरा और अंतिम भाग है जब मैं अंतिम भाग बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और कुछ नहीं सीखना है अरे साहब मैं ये आपको बता दूं, जितना भी हम पवित्र आत्मा के बारे में बोलें उतना ही कम है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है हमारा सहायक है हमारा जीवन है तो हम कभी नहीं कह सकते कि बस अब मैं पवित्र आत्मा के बारे में सब जान गया हूँ हो सकता है इंटेलेक्चुअली हम जान गए लेकिन क्या पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में वो जगह दिया है जो वो हमसे चाहता है तो थोड़ा सा मैं आपको समरी करके बता दूं सारांश में कि हम पिछले दो एपिसोड में दो भागों में किन किन बातों पर ध्यान दिया था जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ध्यान दिया कि पवित्र आत्मा प्रविष् मसीह की महिमा करता है ठीक है पवित्र आत्मा जब हम प्रभु षु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हमें बैप्टिज्म करता है हमारा बपतिस्मा करता है एक बनाता है प्रभु में फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है हम हमारा जो शरीर है हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है तो वो हमें वास करता है और वास करना चाहिए फिर हमने देखा था पहले एपिसोड में कि, कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल करना है है ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है पवित्र आत्मा से भरना है फिर उसके बाद दूसरे भाग में देखा था पवित्र आत्मा के कार्य के दूसरा भाग पार्ट टू में कि वो, वो हमारे जीवन में प्रकाशन डालता है पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी अगुवाई करता है कि हम उन बातों को समझें फिर पवित्र आत्मा हमारे को हमें पूरी रीति से इक्विप करता है हमें हर प्रकार से तैयार करता है ताकि जो गिफ्ट जो वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है उसको हम सही रूप से इस्तेमाल करें फिर हमने गिफ्ट्स के बारे में भी देखा जो वरदान भविष्यवाणी का वरदान हो अन्य भाषा का वरदान हो देने का वरदान हो प्रार्थना करने का वरदान हो इवेंजलिज़म का वरदान हो प्रीचिंग का वरदान हो टीचिंग टीचिंग पढ़ाने का वरदान मतलब कई प्रकार के काउंसलिंग है म्यूज़िक है कई प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है ताकि हम उन वरदानों को यीशु मसीह की कलिसिया बनाने में संलग्न करें उसे इस्तेमाल करें ताकि प्रभु यीशु मसीह की कलिसिया सुंदर और साफ और पवित्र होती चली जाए फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हमें इन बातों को जो हमने सीखा है उसको उसको उसमें उसको पूरा करने के लिए वो हमें सामर्थ देता है जब तक कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उसका पावर हमारे जीवन में नहीं होगा तो ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं तो ये हमने देखा था पिछले दो एपिसोड में दो भागों में आज तीसरा भाग है कि पवित्र आत्मा के कार्य का और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम जब आप और मैं जो विश्वासी हैं पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करते हैं वो हमारे जीवन का रक्षक है अगुआ है हमारे जीवन में सहायता करता है हम उससे कंट्रोल होते हैं नियंत्रित होते हैं तब हमारे जीवनों में आपके जीवनों में पवित्र आत्मा का फल आता है बिना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए बिना उसका फल जो पवित्र आत्मा का फल है वो नहीं आएगा अब जैसे कि स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि हम आम का पेड़ लगाते हैं या केले का पेड़ या बेर का पेड़ तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ सालों के बाद उसमें फल आए ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रविष् मसीह के पास आते हैं तो हमारा जीवन एक फलवंत जीवन हो पवित्र आत्मा के फल उसमें आए तो जरा देख लेते हैं वो पवित्र आत्मा के फल क्या क्या और कहाँ पाए जाते हैं इसके लिए मैं खोलूँगा और आप भी अगर बाइबल है तो आप देख सकते हैं गलतियों उसका पांच अध्याय गलतियों उसका पाँच अध्याय और उसका बाईस और तेईस और चौबीस पद गलतियों उसका पांच अध्याय बाईस तेईस और चौबीस यहाँ पर हम वो लिस्ट देखते हैं जो पवित्र आत्मा के फलों के बारे में यहाँ पर बताते हैं चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और इस प्रकार से है पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज और दया भलाई विश्वास नम्रता और संयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है तो हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा को हम अपना जीवन देते हैं अपना माँ अपना मन व्यक्तित्व उसको उसके सुपुर्द करते हैं तब हमारे जीवनों में ये फल बहुत रीति से फलते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत फल लाएं इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यौहन रचित सुसमाचार और उसका पंद्रहवा अध्याय कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा में होकर के ये फल लाएं जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं यौन ना उसका पंद्रवा अध्याय पहले पद से सुनिए सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जो डाली में हैं और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि में बने ना रहो तो नहीं फल सकते मैं दाखलता हूँ मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हूँ जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है ये देखा आपने जो प्रभु मसीह में बना रहता है आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि कोई मुझ बना बनाना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं यदि तुम में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे आप समझ गए मेरे प्रियो फल पवित्र आत्मा के फल लाना कितना महत्वपूर्ण है एक मसीही जीवन में तो ये कार्य है पवित्र आत्मा का कार्य है ठीक है चलिए आगे और देखते हैं हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है और हमारे कठिन समय में जब निराश होते हैं आ, तो हमारी अगुवाई करता है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ योहन्ना उसका चौदह अध्याय छब्बीस से अट्ठाइस योहन्ना उसका चौदह अध्याय और छब्बीस से अट्ठाइस यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें बातें सिखाएगा और जो बातें जो कुछ मैंने तुमसे कही है वह तुम्हें स्मरण कराएगा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा क्या है, है, है? हमारे करता है शिक्षा देता है फिर हम एक और चीज देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है हमारी प्रार्थनाओं में अगुवाई करता है अब आप अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी के घर में एक बेबी पैदा होता है बच्चा पैदा होता तो क्या एकदम से बोलने लगता है नहीं पहले तो बहुत ही ऐसे नॉइज़ निकालेगा ला 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 कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली उसको क्या पता वो अभी एक महीने का है दो महीने का एक साल का लेकिन धीरे 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 क्या होता है वो सुनता रहता है, है? माम, मम्मी पापा की आवाज़ और फिर वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है फिर वो दो तीन साल का जब हो जाता है तब वो बोलने लगता है मम्मी मम्मी डैडी या भैया या जो भी है तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर पिता से बातें करें हम्म क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं कि हमें क्या प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम आत्मा में होकर के हम प्रार्थना करें चलिए मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूं इसी से संबंधित कि कैसे प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है रोमियों की पत्री उसका आठ अध्याय छब्बीस और सत्ताईस रोमियों की पत्री उसका आठ अध्याय छब्बीस और सत्ताईस सुनिए वचन क्या कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रति से करना चाहिए परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है तो एक और कार्य हम देखते हैं पवित्र आत्मा का वो ये है कि वो हमारी प्रार्थनाओं में हमारी आराधनाओं में हमारी अगुवाई करता है कैसे प्रार्थना करना है कैसे अगुवाई वर्शिप करना, करना है आराधना करना है एक और बहुत अच्छा पद जहाँ मैं पढ़ आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पाया जाता है इफिसियों उसका छठवां अध्याय और उसका अठारह पद क्या लिखा हुआ है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो ठीक है ना तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल में और जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं इस स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पर कई लोग मिले हुए हैं चर्च के लोग और वो आराधना कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं और एक मन एक चित्त हो के हाथों को उठा कर के और वो अपने भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा आ ये उनकी एक विशेष बड़ी रिक्वेस्ट है प्रार्थना है तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना करने में भी ये उसका एक कार्य है फिर वो हमारा क्या है एडवोकेट है वकील है पवित्र आत्मा वकील है एडवोकेट है मैं आपके लिए पढूंगा इसी से संबंधित योहन्ना उसका चौदह अध्याय पंद्रह से इक्कीस योहन्ना उसका चौदह अध्याय पंद्रह से इक्कीस यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं आपके लिए ये पढ़ ये पदो, पदों को पढ़ना मांगता हूं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास वापस फिर से आता हूं और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा तो यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु मसीह चले गए ऊपर तो वो क्या है पवित्र आत्मा हमारा वकील है वो हमारी सहायता करता है हर बात में प्रभुष्ण मसीह की बातों को याद दिलाता है हमें शांति देता है सो सो योहन्ना उसका सोलह अध्याय और उसका आ, क्या लिखा हुआ है तेरा पद है शायद चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ योहन्ना उसका सोलह अध्याय और आ, आ, तेरा पद परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा तो वो हमारा वकील है हाँ वो हमारा वकील है पवित्र आत्मा हमारा शांति देने वाला है वो हमारा क्या है सहायक है है ना खैर ये और कई बातें और भी है पवित्र आत्मा के विषय में जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि हम जितना पवित्र आत्मा के बारे में बात करें उतना ही आ, कम है और लेकिन जो हमने सीखा है क्या वो हमारे व्यक्तित्व में आ, आया है आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यदि हम सिर्फ ऐसे सीख लिया सुन लिया पढ़ लिया है ना अपने बाइबल स्टडी में या अभी तो फिर उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई देखिए डॉक्टर जो होता है वो ऐसी डॉक्टर नहीं बन जाता है पहले तो उसको थ्योरी स्टडी करनी पड़ती है।, है सब दवाइयों के नाम जानने पड़ते हैं उसको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सी दवाई देना है टेम्परेचर का क्या उसमें महत्व है ऑपरेशन कैसे करते हैं और भी जो तरह तरह की जो मेडिकल साइंस है विज्ञान है उसको सब सीखना है वो तो हो गया दिमाग में अब वो प्रैक्टिस करना है उसको अपने अनुभव में लाना है तो वो शायद जा के कहीं छोटी सी अपनी क्लिनिक खोलेगा और धीरे धीरे उस अनु उसको अनुभव में लाएगा जो उसने मेडिकल कॉलेज में सीखा है ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों मेरे भाई बहनों हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आपने भी सीखा होगा प्रचार भी किया होगा मैंने भी किया है लेकिन प्रश्न ये है क्या वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन का एक विशेष भाग है कि नहीं यार सिर्फ सीखते रहे कहीं पर लिखा हुआ है एक जगह पे बाइबल में हम लोग बस सीखते रहते हैं बहुत सीखते रहते हैं लेकिन जीवन में उसका अनुभव बहुत कम आता है अब पवित्र आत्मा का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और हमने इन तीन एपिसोड्स में इन तीन भागों में जो मोटी मोटी बातें हैं उसको हमने ध्यान दिया है ताकि हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन का एक विशेष भाग बना लें क्योंकि हम पवित्र आत्मा के क्या है मंदिर है वह हमें वास करता है हमारी अगुवाई करता है कठिन समय में हमारी वो सहायता करता है हमें शांति देता है वो हमारा वकील है और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते तो वो परमेश्वर के वचन को का खुलासा करता है प्रकाशन देता है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे जो कायलता लाता हमारे मन में छिद जाते हैं और पवित्र आत्मा बोलता देखो ये तुम नहीं कर रहे हो ठीक और उस समय हमें उसको ठीक करना होता हमारे जीवन में जो अशुद्ध अशुद्ध बातें हैं हमारे जीवनों में इम्प्योरिटीज हैं वो निकालता है सो मेरे प्रियो आइए हम इन बातों को जो हमने पहले भाग में दूसरे भाग में और आज तीसरे भाग में देखा उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग माने और विश्वास करें कि हमारे साथ पवित्र आत्मा है यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और मेरी ऐसी आशा है कि ज़्यादातर आप में कईयों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का अनुभव आ, करें नियंत्रित हों हम उसके आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा और फिर जब ऐसा होगा तो क्या होगा हम पवित्र आत्मा के फल लाने वाले होंगे कई फल जिसके बारे में हमने आज पढ़ा था और शायद आप जानते भी होंगे सो परमेश्वर का धन्यवाद और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आ पवित्र आत्मा आ ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए मेरी प्रार्थना होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ मेरे जीवन का अंग हो मुझे मेरे मन में तू अगवाई कर मेरे पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रण में ले ओ पवित्र आत्मा आ